अलैक्म क्रिएटिव राइटिंग कोर्स में आज हम फेजेस इन राइटिंग में राइटिंग की फ़ेज़ की बात करेंगे राइटिंग से पहले रिसर्च और प्लानिंग वगैरह की जाती है उसके बाद आता है मरहला एक्चुअली बैठ के लिखने का यानी राइटिंग इसके लिए भी कुछ तैयारी लाजमी है और इसके लिए भी कुछ प्लानिंग ज़रूरी है uh, सबसे पहले तो ये कि इसके लिए एनवामेंट कोई अपनी मुनासिब तय की जाए क्योंकि अक्सर राइटर्स और स्पेशली आप लोग जो ऑनलाइन असाइनमेंट्स लेंगे वो अपने घरों से काम कर रहे होते हैं घर में काम करने का ये मसला है कि अक्सर आप अगर जिस कमरे में आप सोते ही हैं उसी कमरे में अगर आप बैठ के काम करेंगे तो उसमें काम का माहौल ठीक नहीं बन सकता इसलिए ज़रूरी है कि उस कमरे के अलावा किसी और जगह पे आप अपना कोई लिखने का छोटा सा कोना या कोई जगह बनाएं जहाँ पे आप, आप आराम से भी हों आपकी तमाम चीज़ें भी हों वहाँ पर और आप बैठ के किसी डिस्टरबेंस uh, के बगैर अपना काम कर सकें सो so, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप किसी दफ्तर में बैठ के अक्सर या इस तरह से कोई प्रॉपर जगह पर काम नहीं करेंगे तो घर में एक गोशा इस काम के लिए आपको डेजिग्नेट uh, करना होगा ताकि आप अच्छी तरह काम कर सकें और आपको द मोमेंट यू गो इन दैट कॉर्नर आपको ख़ुद एक सिग्नल मिलेगा कि अच्छा अब मैंने काम करना है अब मैंने फेसबुक नहीं देखना है या गपशप नहीं करनी या शॉपिंग लिस्ट नहीं बनानी लेकिन अब मैंने इस काम पे काम करना है क्योंकि आप अपने उस कमरे के हिस्से में या घर के उस हिस्से में बैठे हुए जहाँ पे आपका काम का आ, मकसद होता है इसके अलावा टूल्स सेलेक्ट करने से ही मुराद है कि ज़ाहिर है कोई आपको ऑनलाइन अगर काम करेंगे आपको गैजेट्स चाहिए कोई आपका ऐसा लैपटॉप हो या टैबलेट हो या फ़ोन या जिस भी चीज़ के साथ करें जो कि आपके लिए सूटेबल हो जिसको कि आपको इस्तेमाल करने में दिक्कत ज़्यादा ना होती हो जब आप बैठे हैं अपना काम करने अपने चार्जर वगैरह ये सारी सहूलत जो एक्सटेंशन वायर चाहिए ये सारी चीज़ें ये कहना इसलिए लाजमी है क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जिससे हम जैसे स्कूल में सब ने मेरा ख़्याल ये किया हुआ है कि जिस वक्त क्लास में काम का आ, मूड नहीं हो रहा या मर्जी नहीं है तो आप बार बार उठ के जा रहे हैं और पेंसिल शार्पन कर रहे हैं या कुछ तो इसलिए ज़रूरी है कि एज एडल्ट हम ज़्यादा मर्जी से अपनी जब काम कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिली करें और अपनी सारा मवाद लेके कर बैठें ताकि फोकस और अटेंशन के साथ काम पे फुल ध्यान दे सकें उसके अलावा हम अक्सर सुनते हैं कई लोग कहते हैं आई एम अ मॉर्निंग पर्सन कई लोग कहते हैं नहीं आई एम अ नाइट आउल सबके बेहतरीन परफॉर्मेंस करने के डिफरेंट औकात होते हैं कोई लोग सुबह को ज़्यादा अच्छा काम कर पाते हैं कोई लोग रात को और उन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप जाने कि आपका वो बेहतरीन टाइम कौन सा है जिसमें आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं और उसी टाइम में आप फिक्स करें कि इसमें मैंने इतने घंटे हर रोज़ कुछ ना कुछ लिखना है तो स्टीफन किंग एक राइटर है बहुत मशहूर और वो हॉरर की नॉवेल्स लिखते हैं कुछ पे उनकी फिल्में भी बनी है, बहुत हैं बहुत मशहूर हैं उन्होंने लिखने के बारे में एक किताब लिखी है कि लिखा कैसे अच्छा जा सकता है तो उसमें उन्होंने अपनी भी प्रैक्टिस और अपनी भी रूटीन बताई है कि उनके घर में एक डेस्क है जिसके ऊपर कि वो बैठ के और डिसिप्लिन के साथ वो अपना हर रोज़ सुबह को कुछ घंटे वो लिखते हैं और वो डेस्क के सामने खिड़की है तो खिड़की से वो बाहर भी देख रहे होती हैं उनको एक अच्छा खुशगवार उनके लिए माहौल भी होता है और वो उनके लिए आ, दिस वर्क फॉर हेम ज़रूरी नहीं है हर बंदा डेस्क पर बैठे हो सकता है कोई आम चेयर पर बैठना चाहे या जिस तरह भी सूट करे लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी रूटीन हो आपको ये मालूम हो कि कौन से मैंने टाइम है जिसको मैंने आ, इसको फिक्स करना है कि इसमें मैंने करना है जैसे जब जो लोग दफ्तर जाते हैं उनको दफ्तर के टाइम में कोई वो आ, लीनियंसी नहीं दिखाते और उनको जाना ही होता है इसी तरह बेशक आप घर से काम कर रहे हैं बट यू शुड एडहेयर टू योर वर्किंग आवर्स कि ये मेरा टाइम है जिसमें मैंने बैठ के लिखना है बजाय इसके कि आपके कहें नहीं चलो घर में ही हूँ अभी कुछ और कर लूँ और फिर क्योंकि वो आपकी प्रोडक्टिविटी का टाइम लूज़ हो जाएगा उस टाइम को आप गार्ड करें वो आपका ट्रेजर है उसको संभाल के रखें और उसको अपने मकसद के लिए यूज़ करें ताकि आप ज़्यादा आउटपुट दे सकें सो ये कुछ लिखने के एक्चुअल लिखने से पहले करने की सोचने की बातें अच्छा लिखने में जो है शुरू करना बहुत एक्साइटिंग होता है लिखना कोई आपको आइडिया आया होता है आप सोचते हैं हाँ इसके ऊपर लिखते हैं तो वो तो बहुत एक्साइटिंग बात होती है जब मिडल में पहुँचते हैं कहीं वो एक्साइटमेंट और इंस्पिरेशन थोड़ी सी जो है वेवर करने लगती है तो फिर इंसान का ध्यान हटने लगता है तो बहुत सारे चीज़ों की तरह आ, लिखने के लिए भी ग्रिट यानी कि परसिस्टेंस और मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत है ये नहीं हो सकता कि आपको आ, कोई चीज़ आप मिडिल तक पहुंच जाएं और फिर आप कहें कि अच्छा अब ये मेरा दिल नहीं लग रहा उसमें हमेशा इंस्पिरेशन उस तरह या एक्साइटमेंट नहीं रहेगी तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको आ, ग्रिट के साथ और अपनी ग्रिट को और अपनी मुस्तकिल मिजाजी पे भी काम करें और उसका भी ध्यान रखें सिर्फ इंस्परीशन के आने का इंतज़ार ना करें जब आप लिख रहे हैं तो अपने फ़्लो को फॉलो करना है आपने उस वक्त और लिखते वक्त आपने ये नहीं करना कि एडिट करते जाएं साथ साथ में क्योंकि अगर आप एडिट करते जाएंगे तो उससे आपकी स्पीड कम हो जाएगी फ्लो कम होगा आपकी हौसला शिकनी होगी आपको लगेगा वो पूरे दिन में मैंने ये दो जुमले लिखे क्योंकि आप उन्हीं दो जुमलों की नोक पलक दुरुस्त करने में आपने टाइम लगा दिया और इस तरह आपका टाइम ख़राब हो गया तो लिखते वक्त सिर्फ लिखें जिस वक्त एडिटिंग की बारी आएगी उस वक्त एडिटिंग करें और प्लान हमने अगर आप बनाएंगे और फिर उसके बाद लिखेंगे तो प्लान आपके सामने होना चाहिए आप लिखें लेकिन ये भी फैसला एज़ अ राइटर आपने करना है कि आप प्लान को किस हद हाँ तक फॉलो करेंगे हो सकता है आप कोई चीज़ उस वक्त आपको सेंस बनाए कोई आप चीज़ उसमें ऐड करना चाहें कोई चीज़ उसमें फिट ना आ रही हो जिस तरह आप, आप लेकिन उसको आप अपने फ्लो को फॉलो करें और प्लान से अगर हटना पड़े तो थोड़ा बहुत हट जाएं क्योंकि प्लान का मकसद ये है कि आपको इनिशियल एक डायरेक्शन दे दे उसका मकसद आपकी क्रिएटिविटी को या आपके नए आइडियाज़ को जो आपको लिखते हुए आएंगे उनको करटेल करना या लिमिट करना हरगिज नहीं है अच्छा दूसरा ये है कि परफेक्शनिज्म की तलाश में और उसमें जो है आप स्लो डाउन हो जाते हैं ख़ाइफ हो जाते हैं कई दफ़ा ये होता है लिखने वाले को लगता है क्योंकि अगर आप स्पेशली क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हैं कोई कैरेक्टर क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें आपका अपना आप आपके अपने तजर्बा एक्सपीरियंसिस कहीं ना कहीं झलक रहे होते हैं उससे कई दफ़ा इंसान ख़ायफ हो जाता है उसको लगता है अच्छा ये इसमें मेरे बारे में कोई चीज़ लोगों को पता लगेगी या लोग जज करेंगे मुझे या लोग कहेंगे इसने लिखा कितना फजूल है या कुछ तो ये सारे खौफ बहुत रियल हैं ये सब राइटर्स को होते हैं और इसको आपको मैनेज करना पड़ेगा इसको साइड पे करके जिस वक्त लिख रहे हो बस आप लिख लें ये सोच बाद में सोचें कि ये मैं लोगों को कैसे दिखाऊंगा ये दिखाऊंगी और अपना जो लिखने के काम पे तवज्जो दें अच्छा लिखने वालों के रास्ते में कई मुश्किलें आती हैं उसमें से एक है राइटर्स ब्लॉक यानी आप लिख रहे हैं और आप लिखना चाहते हैं आपने जगह बनाई है डिसिप्लिन से बैठे हैं अपने बेस्ट रूटीन में बेस्ट वर्किंग आवर्स जो आपके प्रोडक्टिव आवर्स हैं उसमें बैठे हैं लेकिन कोई आइडिया ही नहीं आ रहा कुछ हो ही नहीं रहा कुछ बन ही नहीं रहा ये भी एक राइटर्स ब्लॉग इट्स अ फनना जो सब इसको एक्सपीरियंस करते हैं और महसूस करते हैं हो सकता है कि आपको कोई इंस्प्रेशन की कमी है हो सकता है आपके जहन में ख़्याल कोई अभी इनक्यूबेशन पीरियड में हैं यानी कि वो जैसे अंडा जो है वो हैच होने और चूजा उसमें से निकलने से पहले उसका एक इनक्यूबेशन पीरियड होता तो हो सकता है कोई आपके आइडियाज़ जो हैं अभी अपनी उस तकमील की पॉइंट तक पहुंच रहे हैं जिसके बाद कि वो सामने आएंगे तो इसमें घबराने या परेशान होने की बात नहीं है और इस पॉइंट पे ये सोच के कि मुझसे नहीं होगा मेरे बस का नहीं है तो इसको छोड़ नहीं देना चाहिए उसके लिए कुछ तरीक़े हैं राइटर्स ब्लॉक जब हो तो आप कोई एक्टिविटीज़ कर सकते हैं एक तो एक ब्रेक ले लें स्नैक ले लें थोड़ी छोटी सी वॉक के लिए चले जाएँ कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करें अपना ध्यान हटाएँ और फिर वापस आएँ जितना उस पर बैठ के स्ट्रेस करेंगे उतने आइडियाज़ जो हैं आपसे भागेंगे उसके अलावा एक्सरसाइजेज़ भी हैं जो आप कर सकते हैं जैसे कि आप अपने आप को फ्री राइटिंग करने के लिए दें और फ्री राइटिंग में ये है कि आप देखें कि किसी किताब कोई आपकी पसंद की किताब को खोलें और उसका एक जुमला जो आपको पसंद है वो निकाल के लिख लें और उस जुमले से आपके जहन में जो ख्याल आते हैं वो फिर बस फ्री राइटिंग करते रहें ये जो आपका असल असाइनमेंट है उसका हिस्सा नहीं होगा बट दिस इज़ जस्ट टू रिकवर योर फ्लो अपने फ़्लो को ढूंढने के लिए या आप कोई एक इमोशन लेके वो लिख लें हेट्रिड बिटरनेस जॉय और उस इमोशन के बारे में जो आपके जहन में आता है आप लिखते रहें ताकि आपका वो ब्लॉक जो है वो दोबारा से एक किस्म की उसकी बर्फ़ जो जमी है वो था हो जाए और यू गेट बैक इन या कोई लोकेशन ले लें डॉक्टर्स ऑफिस और फिर आप लिखना शुरू कर दें डॉक्टर्स ऑफिस में क्या हो रहा है या पब्लिक पार्क या कोई ऐसी जगह लेके और उसके बारे में फ़्री राइटिंग करें उसके उसके लिए अपने सामने घड़ी रखें कि मैंने ये पाँच मिनट के लिए करनी है थोड़े टाइम के लिए ताकि आपको जो फ़ियर फील हो रहा है या जो नर्वसनेस हो रही है वो आपको ख़त्म हो जाए कि बस मैंने थोड़ा सा इतनी देर तक लिखना है जितना भी लिख लूँ जो भी लिख लूँ उसमें कोई वो नहीं है जजमेंट या वो नहीं है सो दीज आर सम थिंग्स दैट ड्यूरिंग द राइटिंग प्रोसेस राइटर्स फेस एंड फील एंड दीज आर सम वेज़ यू कैन डील विद दैम बहुत शुक्रिया